तो दोस्तों, अगर आप अपने स्मार्टफोन की होम स्क्रीन से बोर हो चुके हैं और आप चाहते हो कि कोई ऐसी ऐप हमें देखने को मिल जाए जिससे कि हम अपने स्मार्टफोन की होम स्क्रीन और पूरे ओवरऑल यूआई को कस्टमाइज कर सकें, तो आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं। यहां पर मैं आपको बताऊंगा इस ऐप के बारे में जिसका नाम है मक्स ओएस लॉन्चर, जो कि अभी अभी ही लॉन्च हुआ है और बहुत सारी ढेर सारी कस्टमाइजेशंस अपने लिए लेकर आता है। अब जैसे ही आप प्ले स्टोर पर जाते हो, डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने इस ऐप का लिंक दिया हुआ है, तो आपके इजीनेस के लिए वहां से आप इस ऐप पे डायरेक्टली पहुंच सकते हो। जैसे आप इस ऐप पे पहुंच जाते हो तो यहां पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस ऐप की देखने को मिल जाएंगी। AI बेस्ड बहुत सारे टास्क और टूल्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे जिसके अकॉर्डिंग आप इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये ऐप है। आगे आप वीडियो को देखते रहिए, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। अब गाइस, ये जो ऐप है ये मुकेश बांगर, डॉक्टर मुकेश बांगर ने बनाई हुई है और काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐप है। अभी नई नई ही लॉन्च हुई है। आपको सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हो, एक्टिवेट कर लेना है और जो भी परमिशन वगैरह ये मांगता है वो आपको यहाँ पर सब करके दे देना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ थर्ड पार्टी परमिशन यहाँ पर नहीं है, जो भी ज़रूरी परमिशन हैं वो ही आपसे ये यहाँ पर मांगने वाला है। अब सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस OS या AI लॉन्चर आप इसे कह सकते हो, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें यह आपको यहाँ पर करके देने वाला है। अब जैसे ही आप होम स्क्रीन पे यहाँ पर सपोज़ U लिखते हो, यानी कि आप अपनी फिंगर से ही कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, और जैसे ही आप U लिखते हो तो यहाँ पर यूट्यूब की जो ऐप है वो आपके सामने शो हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टा आप लिखते हो तो इंस्टाग्राम आपके सामने आ जाएगा, व्हाट्सएप आप लिखते हो तो व्हाट्सएप आपके सामने आ जाएगा, क्रोम आप लिखते हो तो क्रोम, इस तरह की जो एप्लीकेशन हैं वो इस तरह से नॉर्मल स्क्रीन पे कुछ AI टाइप करने में ही आपके सामने रिकमेंडेशंस आ जाती हैं। इसके बाद वॉइस एक्सेस का फीचर भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मक्स OS ऐप है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बोलता हूँ ओपन क्रोम। तो जैसे मैं ओपन क्रोम बोलता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली फटैक से क्रोम को खोल देगा। उसके बाद मैं ओपन मैसेजेस बोलता हूँ, ओपन मैसेजेस, तो ओपन मैसेजेस को भी यहाँ पर ये कर देगा। जो भी मैसेजेस वगैरह होंगे वो आपके यहाँ पर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। इसके बाद जो वॉइस सर्च वाला ऑप्शन है, जो मैंने आपको पहले बताया, ये वॉइस एक्सेस का ऑप्शन था जहाँ से आप किसी भी ऐप को बोलकर एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद वॉइस सर्च है, जैसे कि मैं यहाँ पर बोलता हूँ व्हाट इज प्राइम नंबर। सो व्हाट इज प्राइम नंबर का आंसर ये आपको यहाँ पर देने वाला है। उसके बाद हाउ टू कुक समोसा। गूगल टूडेज न्यूज, नेविगेट टू रेड फोर्ट। तो अगर आप नेविगेशन भी चाहते हो तो ऑन द गो यहाँ पर आप बोलिए और डायरेक्टली आपका जो मैप है वो आपको यहाँ पर ये खोल के देने वाला है और कहीं पे भी आप इजिली पहुँच सकते हो। अब यहाँ पर गाइज आपको मक्स OS टैब का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है जहाँ पर आप डिफरेंट टैब्स को क्रिएट कर सकते हैं। सपोज अगर आपको वर्कआउट म्यूजिक का जो टैब है वो यहाँ पर क्रिएट करना है, जिससे कि आप वर्कआउट म्यूजिक का जो प्लेलिस्ट है वो क्रिएट कर दोगे, और जैसे ही आप टैब में यहाँ पर स्पीक करोगे आपके लिए ये जो सॉन्ग्स हैं या जो आपने लाइब्रेरी या प्लेलिस्ट हो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्रिएट एक्शन टैब पे क्लिक करना होगा, उसके बाद क्रिएट एक्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं या लिख सकते हैं वर्कआउट म्यूजिक, और जो ऑप्शन है इनपुट में उसको सिलेक्ट लिंक पे आपको रख देना है। तो जैसे आप लिंक पे रखते हो तो उसके बाद जो लिंक है आपकी जिस भी प्लेलिस्ट का वो यहाँ पर चल पड़ेगा, और उसके बाद आप अपने होम पे आइए, मक्स OS के टैब पे क्लिक करोगे और वॉइस सर्च में एक्सेस करोगे तो वहाँ से जो आपने लिंक लगाया होगा वर्कआउट म्यूजिक का या किसी भी चीज़ का, तो वो आपको वहाँ पर गाने सुना देगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये बात बन जाती है। इसके बाद गाइस, जैसे ही भी कुछ भी चीज़ आप अगर आप इंटरनेट या गूगल पे सर्च करना चाहते हो, जैसे कि सर्च ऑन इंटरनेट अबाउट विराट कोहली और सर्च ऑन गूगल अबाउट विराट कोहली, अगर मैं ऐसा बोलूं सर्च ऑन गूगल अबाउट विराट कोहली तो हाँ, कुछ इस तरह की चीज़ें भी आपको ये यहाँ पर करने वाला है। इसके साथ ही नमस्ते या हाय भी आप यहाँ पर बोलते हो, जैसे कि हाय आप बोलते हो हेलो, तो आपका हालचाल भी ये पूछ लेगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर बन जाती है। अब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि स्पीच रिमाइंडर का ऑप्शन भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है।
जैसे कि आप यहाँ पर बोलते हो सेट रिमाइंडर फॉर, सेट रिमाइंडर फ्रॉम हियर प्लीज टेल मी टाइम विद ए। तो हाँ, इस तरह से किसी भी चीज़ के लिए आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो और ये आपको रिमाइंड कर देगा जिस भी टाइम पे आपने अलार्म, जिम या डिनर वगैरह के लिए टाइम सेट किया होगा। इसके बाद ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर कुछ याद रखवाना है आपको, जैसे कि रिमेंबर आई बोरोड सम मनी फ्रॉम संतोष, वहाँ कुछ इस तरह के यादें भी आप किए रख सकते हैं, आप इससे बिल्कुल भी भूलोगे नहीं। इसके साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है, जैसे कि ऐप ड्रॉअर का लुक आप इसका यहाँ पर देख सकते हो। ऐप ड्रॉअर में आपको फेवरेट ऐप्स ऐड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। डार्क मोड और लाइट मोड, इन दोनों ऑप्शंस को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। आइकन के शेप्स को भी चेंज कर सकते हो और जो भी आप होम स्क्रीन पर लिखते हो तो उसके जो पेन का कलर है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हमें इस लॉन्चर में देखने को मिल जाती है। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें ये आपको करके दे देता है, काफ़ी लाइट वेट है और ज़्यादा अगर आप अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लेते हो तो हैंगिंग वगैरह के कोई भी इश्यूज़ नहीं आएंगे और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करेगा। बेहतरीन वॉलपेपर भी आपको इस लॉन्चर के साथ देखने को मिल जाएंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस लॉन्चर को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक भी दिया हुआ है, तो जरूर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसा आपको वीडियो लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे वीडियोज आपको फ्यूचर में मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।